जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो खबरों के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है बीजेपी के कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को लेकर एक विवादित बयान दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी खबर है दोस्तों, पाकिस्तान को भारत ने 5 विकेट से धूल चटाई एशिया कप के पहले मैच में, उसके बारे में बात करेंगे। पर दोस्तों पहली खबर है बीजेपी के कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिनका नाम है KS ईश्वरप्पा, जिनकी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों पूर्व उप मुख्यमंत्री कोई छोटा मोटा नेता नहीं, पूर्व उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के बीजेपी का जिसका नाम है KS ईश्वरप्पा, उसने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है। इसने विवादित बयान ये दिया है कि अगर हिंदू जागा तो मुसलमान जी नहीं पाएगा। यानी भारत के अंदर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, अगर हिंदू जागे तो मुसलमान जो माइनॉरिटीज हैं वो जी नहीं पाएंगे। ये कर्नाटक के बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री KS ईश्वरप्पा का बयान आया, ये विवादित बयान मुसलमानों को लेकर। इन लोगों से ये पूछना चाहिए कि हमारा हिंदू जागा हुआ नहीं है, आप सिर्फ हिंदुओं को किसके लिए जगा रहे हैं? धर्म के नाम पर जगा रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाने के नाम पर जगा रहे हैं, जबकि आपको एक अच्छी चीजों को लेकर हिंदुओं को ही नहीं सारे समुदाय को लेकर जगाना चाहिए, भाईचारे का एक संदेश देना चाहिए। क्या हमारा हिंदू जागा हुआ नहीं है? हमारे इस देश का हिंदू पहले से ही जागा हुआ है। वो पहले से किस चीज को लेकर जागा हुआ है कि हमारे देश के अंदर एक समुदाय से दूसरे समुदाय को लेकर कैसे भाईचारा बनाकर रखना है, कैसे हमारे देश को आगे पहुंचाना है, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, कैसे सरकार से सवाल पूछना है। अगर सरकार गलत काम कर रही है तो सरकार को सत्ता पे से कैसे उतारना है, दूसरी सरकार को कैसे लाना है। यानी हमारा हिंदू भाई जो है वो पहले से ही जागा हुआ है, आपको जगाने की जरूरत नहीं है। हमारा हिंदू भाई अच्छी चीजों को लेकर जागा हुआ है और जो नफरत फैला रहा है उस नफरत को खत्म करने के लिए हमारा हिंदू भाई पहले से ही जागा हुआ है। आप धर्म के नाम पर, नफरत फैलाने के नाम पर हिंदू भाइयों को मत जगाइए। आपके कहने पर हिंदू भाई जागेंगे भी नहीं, क्योंकि जब ये देश आजाद हुआ है इस देश में आप जैसे लोगों ने कुर्बानी नहीं दी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में मिलकर सभी ने इस देश को कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि इन लोगों की सिर्फ और सिर्फ राजनीति सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पर रह गई है, भारत पाकिस्तान पर रह गई है, और कोई डेवलपमेंट की बात, अच्छी शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ को लेकर, किसी भी चीज को लेकर इनके मुंह से कोई आप शब्द नहीं सुनेंगे। सिर्फ धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर ये वोट मांगने आपके बीच आ जाते हैं। अब दोस्तों दूसरी खबर के बारे में बात करते हैं। दूसरी खबर एक बहुत ही शानदार खबर है। कल एशिया कप का भारत और पाकिस्तान का पहला मैच था और एशिया कप का दूसरा मैच था, पर पाकिस्तान और भारत का पहला मैच था जिसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए, यानी भारत टॉस जीता था, बॉलिंग करी थी भारत ने, पाकिस्तान खेल रहा था, तो पाकिस्तान ने 147 रन बनाए थे, यानी 148 रन का टारगेट दिया था, जिसमें भारत ने 5 विकेट से वो मैच जीत लिया और 2 बॉलें बचा दी, जिसमें मैन ऑफ द मैच रहे हार्दिक पांड्या। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं टीम इंडिया को, कॉन्ग्रेचुलेशन टीम इंडिया। अब आपसे उम्मीद रखते हैं कि एशिया कप हमारा ही होगा, हम सबका होगा। ये आपकी कराई इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो लेकर आऊं तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।